सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर जो सीबीएसई टर्म टू की डेट शीट के बारे में अपडेट आया है, जो बताया जा रहा है कि टर्म टू के एग्जाम 26 अप्रैल से स्टार्ट हो गई, तो सर क्या वो डेट चेंज हो सकती है? क्योंकि सर काफ़ी जगह पर बोला जा रहा है कि डेट बदली जाएगी। तो देखो गाइस, मैं आप सभी को पहले फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट ये है कि डेट बदलने के चांस कम है। बाकी गाइस दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है कि डेट आगे और शिफ्ट हो जाए, बट उससे पहले नहीं होगा। वैसे तो 99.99% चांस यही है कि डेट चेंज नहीं होगी, बट किसी रेयर केस के अंदर डेट चेंज होगी तो वो 26 अप्रैल के बाद में बदली जाएगी। मतलब वो पोस्टपोन और आगे हो सकता है, मतलब वो पहले मतलब प्री नहीं हो सकता। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो 26 अप्रैल से पहले आपके एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगे, टर्म टू 26 अप्रैल के बाद में ही होगे अगर डेट चेंज होगी तो भी। तो गाइस मैं सभी को यही बोलूँगा कि अभी तक का जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग जो सीबीएसई टर्म टू एग्ज़ाम की डेट शीट है और जो आपका टाइम टेबल है वो बहुत जल्दी मिलेगा आपको, और जो आपकी डेट्स है वो 26 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया आपके एग्ज़ाम, और हो सकता है स्टार्टिंग में 26 अप्रैल से आपके पहले जो एडिशनल सब्जेक्ट है उनके एग्ज़ाम हो। बाकी गाइस अभी आने वाले कुछ वीक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी गाइस आप सभी का जो क्वेश्चन था कि डेट चेंज हो सकती नहीं हो सकती, तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि डेट चेंज हो सकती बस, बट बहुत ही रेयर कंडीशन में। बाकी गाइस अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आसिंग का पेरोल सेफ रहो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।